क्या आपके बच्चों को चीज़ पसंद है? उनकी हर फेवरेट डिश में चीज़ होता ही है? उन्हें हर डिश के ऊपर एडेड चीज़ अच्छा लगता है? तो आपके मन में भी कभी तो ये प्रश्न आता ही होगा, बच्चे इतना चीज़ खाते हैं, चीज़ बच्चों के लिए अच्छा होता है कि नहीं? तो चलिए आज इसी विषय पर बात कर लेते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है, बच्चों के लिए चीज़ सही या गलत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर किशोर गिरी, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड केयर स्पेशलिस्ट। स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब के इस मंच पे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन दबाइए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपके कोई प्रश्न, कोई प्रतिक्रिया है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको चीज़ के बारे में बहुत सी अनकही बातें पता चलने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिज्ज़ा, पास्ता, बर्गर जैसी जंक फूड की चीज़ों में पाया जाने वाला चीज़ हमारे भारतीय व्यंजनों का हिस्सा कब बन गया हमें पता तक नहीं चला। आज चीज़ पुलाव, चीज़ डोसा, यहाँ तक कि चीज़ वड़ा पाव भी खाते हैं। चीज़ की कई सारी किस्में, कई सारे प्रकार है। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला चीज़ मोज़रेला चीज़ और चेडार चीज़ है। चीज़ की इतनी लोकप्रियता का कारण है उसकी फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू। उसकी फिज़िकल क्वालिटीज़ में सबसे ऊपर आता है उसका नमकीन स्वाद, उसका क्रीमी एंड सॉफ्ट टेक्सचर, उसकी पिघलने की क्षमता और उसकी स्पेशल खुशबू। अब बात करते हैं चीज़ की न्यूट्रिटिव वैल्यू के बारे में। 100 ग्राम्स ऑफ चीज़ में होता है 350 कैलोरीज, 30 ग्राम्स ऑफ फैट एंड 25-30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द चीज़। चीज़ एक अच्छा स्रोत है फैट सोल्यूबल विटामिन का, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। चीज़ एक अच्छा स्रोत है विटामिन B12 का और रिबोफ्लेविन का। चीज़ में सोडियम और कोलेस्ट्रॉल काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। अब बात करते हैं चीज़ से होने वाले फ़ायदों के बारे में। चीज़ में प्रोटीन और फैट काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए चीज़ एक कैलोरी डेंस फूड है, वज़न बढ़ाने के लिए बहुत मददगार होता है। चीज़ में विटामिन डी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, तो ये बोन हेल्थ के लिए बहुत सहायकारी होता है। चीज़ ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है। चीज़ में फॉस्फेट सफिशेंट अमाउंट में होने की वजह से डेंटल हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। चीज़ एक फर्मेंटेशन प्रोडक्ट है, इसलिए चीज़ प्रोबायोटिक का काफ़ी अच्छा सोर्स है। चीज़ में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं। चीज़ आइज, हेयर, स्किन एंड ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा होता है। चीज़ में पाया जाने वाला ट्रिप्टोफैन बॉडी में सीरोटोनिन लेवल बढ़ाता है, जो हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करने में मदद करता है। तो अब बात करते हैं चीज़ से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स या दुष्परिणामों के बारे में। मोस्ट कॉमनली कॉन्स्टिपेशन। चीज़ एक मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट है, इसलिए उसमें केजिन की काफ़ी मात्रा होती है, इस वजह से कॉन्स्टिपेशन होना एक आम बात है। चीज़ एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट होने की वजह से ये प्रोबायोटिक स्टमक में जाके ब्यूटरिक एसिड बनाते हैं, इस वजह से पेट में जलन होना, एसिडिटी होना और गैसेस होना एक कॉमन बात है। चीज़ एक लैक्टोज बेस्ड प्रोडक्ट है, इसीलिए लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों के लिए ये सूटेबल नहीं है। चीज़ में ट्रिप्टोफैन पाया जाता है, जो ब्रेन को सुस्त करता है, इसकी वजह से चीज़ खाने के बाद नींद आना भी बहुत कॉमन होता है। चीज़ में सोडियम काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, इस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ना, लूज मोशंस होना, डिहाइड्रेशन होना भी स्वाभाविक है। चीज़ में पाया जाने वाला टायरामीन कुछ सेंसिटिव लोगों में हेडेक या माइग्रेन का कारण बन सकता है। अब जानते हैं चीज़ की वजह से होने वाले लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स। ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा मात्रा में सोडियम, प्रोटीन और सैचुरेटेड फैट्स की वजह से होता है। ज़्यादा सोडियम ब्लड प्रेशर की बीमारी पैदा करता है, इसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से यह हार्ट की कोरोनरी वेसल्स को ब्लॉक करता है, उसकी वजह से हार्ट का ब्लड सप्लाई रुक जाता है और हार्ट अटैक आने का खतरा रहता है। ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में यूरिक एसिड बनाता है, इस वजह से आर्थराइटिस और रीनल स्टोन होने का चांस भी बहुत ज़्यादा रहता है। दोस्तों, मैंने आपको चीज़ के गुण और अवगुण दोनों से अवगत करा दिया है। अब इस विषय में मैं अपनी राय रखना चाहता हूँ। अपनी राय बताने से पहले मुझे स्वामी विवेकानंद जी का एक वचन याद दिलाना है, एनीथिंग इन एक्सेस इज लाइक अ पॉइजन।
कोई भी चीज़ अति मात्रा में जहर समान होती है, और यही बात चीज़ के लिए भी लागू होती है। चीज़ को खाए तो नाप तोड़ के खाए। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रेकमेंड करता है चीज़ इंटेक ऑफ 42 ग्राम्स ऑफ पर सर्विंग एंड मैक्सिमम 3 सच सर्विंग एक नॉर्मल वयस्क एडल्ट के लिए। तो आप इसे अनुमान लगा सकते हैं बच्चों के लिए कितना चीज़ देना सही है। चीज़ के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट ज़्यादा मात्रा में सोडियम और फैट की वजह से होते हैं, इसलिए जब भी चीज़ का चुनाव करना हो तो लो सोडियम एंड लो फैट वाला चीज़ ही चुने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बच्चे हमारे भविष्य की वो धरोहर है जिसका निर्माण हम आज कर रहे हैं। जितने सजग हम बच्चों के भविष्य के लिए रहते हैं, उतना ही सजग हमें उनके आरोग्य के लिए भी रहना चाहिए। हम सब चाहते हैं कि हमारी संतान स्वस्थ हो, सशक्त हो और दीर्घायु हो, लेकिन उसके लिए अभी से उन्हें गुड फूड हैबिट से अवगत कराना ज़रूरी है। तो चीज़ को खाइए, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ हेल्दी डाइट खाइए, उसे फूड फैड या एडिक्शन नहीं बनने दे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे ही रोचक जानकारी भरे वीडियो के साथ। तब तक फिट रहिए, सुपर हिट रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।